नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सफेद मरुआ का पौधा लेकर आया हूँ। यह मरुआ का पौधा एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, चमत्कारी जड़ी बूटी है। आज मैं आपको इसी फायदे के बारे में बताऊंगा, लेकिन फायदा जानने से पहले आप इस मरुआ के पौधे को ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि यह पौधा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे पहचान सके। दोस्तों यह मरुआ का पौधा तुलसी प्रजाति का ही एक पौधा है, जिसे बहुत से लोग वन तुलसी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे दौना कहते हैं, और सब्जा भी इसी पौधे को कहा जाता है, तूत मलंगा भी इसी पौधे को कहा जाता है, और संस्कृत में बहुवीर्य भी कहते हैं, कन्नड़ में मरुंगा कहते हैं, मराठी में मुरुआ कहते हैं, और हाँ दोस्तों अंग्रेजी में इस पौधे को स्वीट मरजोरम कहते हैं। इस तरह से दुनिया में जितने भाषाएं हैं उतने सारे इस पौधे का नाम। आप इस पौधे को किस नाम से जानते हो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलो अब इस पौधे के बारे में और थोड़ा आगे बढ़ के जानकारी लेते हैं कि इस पौधे में और क्या क्या आयुर्वेदिक औषधि गुण हैं। तो आओ चलो दोस्तों इस पौधे के बारे में और हम आगे जानकारी लें। तो हाँ दोस्तों, इस पौधे के करीबन 2-3 प्रजाति होते हैं। इसमें काला कत्थई पत्तों वाला भी एक मरुआ का पौधा होता है, जो कि दक्षिण भारत में अधिकतर देखा गया है, और यह है सफेद पत्तों वाला और सफेद फूल वाला मरुआ का पौधा, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिकतर देखा गया है। दोस्तों इस मरुआ के पत्तों में तुलसी के मनिंद खुशबू होता है, यानी तुलसी जैसा ही महकता है, बहुत खुशबूदार पत्ता होता है। दोस्तों इस मरुआ के पत्तों की खुशबू से, महक से दिमाग तुरंत तरोताज हो जाता है, इतना अच्छा खुशबू है इसका। और हाँ दोस्तों, यह मरुआ का पौधा करीबन 3 फुट से लेकर 5 फुट तक बड़ा से बड़ा होता है। कहीं कहीं लोग तुलसी और मरुआ के पौधे को अपने घर आंगन में लगाते हैं, क्योंकि यह पौधा गमले में भी लग जाता है। दोस्तों इसके फूलों की पंखुड़ी झड़ने के बाद इसमें बीज भी लगता है, उस बीज को सब्जा कहते हैं। वह सब्जा मार्केट में दुकान में बिकता है, उसे खाते भी लोग हैं और लगाते भी हैं। इस मरुआ के हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाने कि आखिर इस मरुआ के अंदर क्या क्या आयुर्वेदिक औषधि गुण समाये हुए हैं, और इसके सेवन से हम अपने शरीर में होने वाले किन किन बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आओ दोस्तों सबसे पहले हम इसके पत्तों से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार जहरीला कीड़ा ने काट लिया हो, बर्रे ततैया ने काट लिया हो, तो इसके पत्तों को पीसकर कीड़ा के काटे हुए स्थान पर लेप कर दीजिए, तो उस कीड़े काटे हुए जहर का असर नष्ट हो जाएगा तुरंत, इतना फायदेमंद होता है यह मरुआ का पत्ता। दोस्तों किसी के सर में दर्द होता हो, मात्र मरुआ के पत्ते को मसलकर नाक में लगाकर खींच लीजिए, इसके महक से सर का दर्द तुरंत छूमंतर खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस मरुआ के बीज को सब्जा कहते हैं। रात को 1 चम्मच सब्जा भिगाकर 1 कटोरा पानी में रख दीजिए, और उस सब्जा को आप सुबह शरबत बनाकर पी लीजिए। पेट के अंदर एसिडिटी, गैस, कब्ज तुरंत दूर 10 मिनट के अंदर, इतना फायदेमंद होता है इसका बीज, जिसे हम सब्जा कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर उस सब्जा को पीसकर मिश्री मिलाकर किसी डब्बे में रख लीजिए, रोज सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन कीजिए, तो शरीर का बल बढ़ेगा, वीर गाढ़ा होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, शरीर का स्टेमिना पावर बढ़ेगा, शीघ्र पतन दूर होगा, धातु रोग दूर होगा। अगर कोई पुरुष है, कमजोर है, तो उसके लिए समझ लीजिए सब्जा के बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों इसके डंठलों को तोड़कर काढ़ा बनाकर सेवन करने सर्दी खांसी जुकाम दूर होता है। समझ लीजिए जो फायदे तुलसी के पत्तों के अंदर है, वो सारे फायदे इस मरुआ के अंदर है। अगर आपको तुलसी का पत्ता नहीं मिलता है, तो आप मरुआ के पत्तों से, मरुआ के डंठल से, मरुआ के बीजों से फायदा उठा सकते हैं। यह पौधा तुलसी का सहयोगी पौधा है। दोस्तों अगर किसी स्त्री को लिकोरिया प्रदल रोग की शिकायत हो, तो आप इस मरुआ के बीज, जिसे सब्जा के नाम से जाना जाता है, आप 1 चम्मच रात में भिगाइए, डुबाइए 1 गिलास पानी में, और सुबह उसे मिश्री और सौंफ डालकर पिला दीजिए।
15 से लेकर 20 दिन के अंदर उसका लिकोरिया रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस मरुआ का तासीर ठंडा होता है और ठंडे तासीर होने के कारण या पेट के अंदर होने वाले घाव, जख्म और अल्सर रोग को भी ठीक करता है, लेकिन इस्तेमाल इसके बीजों का शरबत बनाकर करना है। और हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ मरुआ के बीज का तासीर ठंडा होता है, वहीं मरुआ के पत्तों का तासीर गर्म होता है। दोस्तों, अगर किसी के बंद मुंह का फोड़ा हो तो मरुआ के बीज, जिसे सब्जा कहते हैं, उस सब्जी को थोड़ा सा पानी डालकर मसल दीजिए। मसलने के बाद उसमें से चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न हो जाएगा, तो आप बंद मुंह के फोड़े के ऊपर इस मरुआ के बीज सब्जा को लगा दीजिए, लगाकर छोड़ दीजिए। एक या दो दिन के अंदर फोड़े को पकाकर अंदर पीप मवाद निकाल कर बाहर कर देगा और घाव को सुखा देगा। और दोस्तों, जब घाव हो जाए तो उस घाव के ऊपर मरुआ के पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर लेप मार दीजिए, लेप कर दीजिए और घाव सूख जाएगा। इतना फायदेमंद होता है मरुआ की पत्ती और इसका बीज। तो इस मरुआ के पत्ता और मेहंदी के पत्ता दोनों पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाए और जहाँ जहाँ हाथ पैर में जलन होता हो वहाँ वहाँ पर छोप दीजिए, लेप कर दीजिए, तो हाथ पैर की जलन भी दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी के मुंह में छाले हो, दाने फोड़े, फुंसी हो, तो आप इस मरुआ के पत्तों को काढ़ा बनाकर, क्वाथ बनाकर कुल्ली करें तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, किसी स्त्री की योनि में इन्फेक्शन हो गया और बदबू आता हो तो इस मरुआ के पत्तों में फिटकरी मिलाकर काढ़ा बनाए और उस काढ़ा से योनि के अंदर तक धोए, साफ करे तो योनि रोग नष्ट होता है, ठीक होता है और बदबू भी खत्म हो जाता है या योनि को एक तरह से शुद्ध कर देता है। दोस्तों, अगर किसी के दिमाग में कफ जमा हो, कफ जमा होने के कारण हमेशा सर में दर्द होता हो, तो आप इस मरुआ के पत्ते को ले लीजिए और साथ में निसोड़ा का पत्ता, दोनों पत्ता में पानी डालकर काढ़ा बनाइए और उस काढ़ा का भाप लीजिए, श्वसन कीजिए, तो दिमाग में जमा हुआ कफ ढीला होकर नाक द्वारा बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता हो तो आप इस मरुआ के पत्तों को रगड़ रगड़ कर उस मिर्गी के रोगी को सुंघाइए तो जल्दी से जल्दी होश आ जाएगा। दोस्तों, यह मरुआ के पत्ते और इसके खुशबू महक छोटे मोटे कीड़ों को नष्ट करने का काम करता है। इस पौधे से होकर हवा जहाँ जहाँ जिधर जिधर से निकलता है उधर उधर के वायरस बैक्टीरिया को मारता जाता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग अपने घर की शुद्धि के लिए मरुआ का पौधा अपने घर के आसपास अगल बगल लगाते थे ताकि उनके घर का हवा शुद्ध रहे। दोस्तों, दर्द और सूजन, चोट मोच में आप मरुआ के पत्ते और इमली के पत्ता, दोनों पत्ता को पीसकर चटनी बनाकर गर्मा कर दर्द वाले स्थान पर लगा दीजिए तो दर्द से आराम मिलता है, सूजन दूर होता है। दोस्तों, अगर किसी स्त्री के स्तन में गांठ हो, सूजन हो, तो उस गांठ सूजन को ठीक करने के लिए आप मरुआ के पत्ते और शीशम पेड़ के पत्ते, दोनों पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर स्तन के ऊपर गर्माकर छोपने से, लगाने से, रखने से, बांधने से स्तन के सूजन उतरता है और गांठ धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस मरुआ का बीज एक पावरफुल औषधि है। अगर किसी के जोर जोर में दर्द होता हो तो आप इस मरुआ के बीज, जिसे हम सब्जा के नाम से जानते हैं, 50 ग्राम ले लीजिए और 50 ग्राम तुलसी का बीज, 50 ग्राम मेहंदी का बीज और 50 ग्राम गाजर का बीज, 50 ग्राम मूली का बीज, सभी बीज को एक में पीस कर 5-5 ग्राम सुबह शाम सादे पानी के साथ सेवन कीजिए तो आपको फायदा होगा, शरीर का कैल्शियम बढ़ेगा, दर्द दूर होगा। अगर वायु बतास के कारण दर्द होता है तो उसी दर्द में फायदा होगा, क्योंकि यह मरुआ वात रोग को भी दूर करने का काम करता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के पौधे को और जहाँ भी आपको मिले इसे उपयोग कीजिए। यह पौधा किसी भी प्रकार से कोई हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर में नहीं छोड़ता है, लेकिन हाँ दोस्तों, किसी भी चीज का अधिक सेवन करना हानिकारक होता है, चाहे वह कोई भी चीज हो। पानी को ही अधिक पी लीजिए तो उल्टी सा महसूस होने लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों, पानी पीकर इंसान जीता है लेकिन उसी पानी में इंसान डूब भी जाता है। तो दोस्तों, यह जंगली बन तुलसी महंगे महंगे दवाइयों को फेल कर देगा अगर आपके शरीर में सूट हो गया तो। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप जान लीजिए, अगर किसी प्रकार का आप आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते हैं तो खट्टी चीजों से आप परहेज कीजिए, ज्यादा तेल मसाला का सामान सेवन न कीजिए, तभी आपको जड़ी बूटी आयुर्वेदिक औषधि फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक औषधि में परहेज पथ का बहुत जरूरी
होता है। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।